गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खारिया के सभी विद्यार्थियों को सुप्रभात। सबसे पहले सभी विद्यार्थियों को व स्टाफ सदस्यों को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज योग दिवस पर हम आपको जो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण और जीवन में काम आने वाले कुछ योग करके दिखाएंगे और उनके लाभ से, उनके फायदों से आपको अवगत करवाएंगे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले जो योग करेंगे वो है वृक्षासन। इसका सबसे बड़ा फायदा जो होता है, जिन बच्चों की हाइट यानी ऊंचाई हाइट नहीं बढ़ रही है, उसके नियमित अभ्यास से उस बच्चे की हाइट बढ़ती है और शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। आओ हम सबसे पहले करते हैं वृक्षासन। तीसरा आसन है कोण आसन। कोण आसन हमारे कमर के दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो अब हम करते हैं कोण आसन। थोड़ा सा पैरों को खोल लें और धीरे धीरे इस स्थिति में आकर के रुकना है। चेंज अब दूसरी तरफ। चौथा आसन पादहस्तासन। अगला आसन नटराज आसन। चेंज दूसरे पैर से। चेंज तो अब कुछ आसन बैठ करके करेंगे। अब हम सर्वांग आसन करेंगे। शीर्षासन और सर्वांग आसन दो ऐसे आसन हैं जिसमें हमारा जो ब्लड है वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। सामान्य तौर पर जो हमारा ब्लड जो संचार रक्त संचार है वो सिर से पैरों की तरफ चलता है, लेकिन सर्वांग आसन और शीर्षासन से जो हमारी ब्लड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है वो विपरीत दिशा में चलती है। और इन आसन से जहाँ भी शरीर में रक्त की कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है और शरीर हमारा निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है। अब हम करते हैं सर्वांग आसन। अगला आसन पश्चिमोत्तान आसन। ये पेट के रोगों के लिए बहुत ही
देखो अब ये फ्री आसन है, ये बहुत ही मुश्किल है वैसे तो, सामने से बता ये आसन पद्म मयूर आसन है, इसको धीरे धीरे अभ्यास करने के बाद ही करना चाहिए। और इसके बारे में कहा गया है कि अगर गलती से मनुष्य जहर का सेवन भी कर ले और इस आसन को कर ले तो जहर का जो दुष्प्रभाव है वो मनुष्य की बॉडी पर नहीं पड़ता। प्यारे बच्चों, योग अगर हम नियमित करें तो हमारे शरीर सौंदर्य बढ़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और हम निरोग रहते हैं। कुछ मेरा मन है प्राणायाम का भी करने का। मैंने आपको बताया है कि हमारा जो शरीर है तीन चीज़ों से चलता है, वायु यानी जब सांस हम लेते हैं तो ऑक्सीजन, भोजन और पानी। भोजन हम खा लेते हैं, पानी हम पी लेते हैं, लेकिन जब प्राणायाम करते हैं तो लंबे लंबे सांस के माध्यम से पूर्ण ऑक्सीजन हमारे स्वास्थ्य में आते हैं, तो जिससे हमारा शरीर निरोग रहता है, ऊर्जावान बनता है। तो इसी कड़ी में अभी एक दो प्राणायाम भी आपको आप करके दिखाएंगे। धन्यवाद। सबसे पहले जो प्राणायाम, कपाल भाती, पद्मासन लगा करके बैठना है और जो हमारा आसपास का जो वातावरण है वो साफ सफाई वाला हो, उसके तो आसपास पौधे हो या गमले हो तो उसका बड़ा जो ऑक्सीजन है, क्योंकि सुबह सुबह का समय पौधे पूर्ण ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस मुद्रा में बैठ करके सांस को बाहर निकालना है, अंदर स्वयं ही सांस आएगा और ये बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। इसको सभी बच्चे कर सकते हैं और ये शरीर की कायाकल्प कर देता है, शरीर का बढ़ा हुआ जो फैट है उसको कम करता है और बहुत से रोगों को हमारे शरीर को मुक्ति दिलाता है। बहुत ही अच्छा प्राणायाम। एक और महत्वपूर्ण बात आपको यहाँ बताएंगे, एक प्राणायाम से दूसरे प्राणायाम पर जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा गैप होना चाहिए। उसके अंदर हम कुछ भी गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हैं या अन्य कोई भी एक्सरसाइज हम कर करके एक या दो मिनट का गैप होना चाहिए। उसके बाद विद्यार्थी जीवन में सबसे काम आने वाला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम और करेंगे। इस प्राणायाम से हमारी जो स्मरण शक्ति है वो बहुत तेज होती है। जैसे कि इस प्राणायाम का अगर हम नियमित अभ्यास करें तो दो चीज़ हमें 10 मिनट में याद होती है, दो या तीन मिनट में याद हो जाएगी। तो इससे हमारी मेमोरी जो है बहुत शार्प होती है, जो मेमोरी ट्रेसिस है बहुत पावरफुल होते हैं। तो इसका आप करेंगे ऐसे ही पद्मासन में बैठ करके, ये दो उंगली आंखों पर और ये थोड़ा नाक के पास, अंगूठा कान में, लंबा नाक से सांस भरना है। फिर लंबा सांस नाक से ही लेना है, नाक से ही छोड़ना है।
से तीन मिनट पाँच मिनट धीरे धीरे इसका हम बढ़ा सकते हैं और ये बहुत ही प्राथमिक प्राणायाम बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम है। बच्चों को इसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। अब हम ओंकार आसन भी करेंगे इसी के साथ। प्यारे बच्चों, योग पूर्णतया भारतीय पद्धति है। ये भारतीय ऋषि मुनियों की खोज है। हमारे भारतीय ऋषि मुनि इन योग और प्राणायाम करके पूर्ण आयु और बिल्कुल निरोग जीवन व्यतीत करते थे। तो आपको भी इस योग और प्राणायाम का नियमित अभ्यास करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।